आप जानते हैं कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई अक्सर होती रहती है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कई बार केंद्र सरकार पर दिल्ली के काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा चुके हैं, और इस बीच इन दोनों चुनी हुई सरकार के बीच चल रहे केस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ही अहम टिप्पणी की है। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से सरकार की ओर से जो वकील हैं जनरल तुषार मेहता, उनका क्या कोर्ट सामने आया था जिसके बाद सीजीआई ने ये टिप्पणी की और सवाल उनसे किए, सवाल सरकार को लेकर थे और किस संदर्भ में, दिल्ली सरकार को लेकर। जनरल तुषार मेहता का दरअसल कहना क्या था, आइए सबसे पहले हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास ये कहने का अधिकार होना चाहिए कि किसे नियुक्त किया जाए और कौन किस विभाग का प्रमुख होगा। अब इस पर सीजीआई का क्या कुछ कहना था, सीजीआई का दरअसल ये कहना था कि यदि सब कुछ ही सरकार को देखना है, सरकार के कंट्रोल में ही है, तो फिर दिल्ली में सरकार होने का मतलब क्या है, उनके पास जो विधायी शक्तियां हैं उनके होने का आखिर मतलब क्या है। दरअसल हुआ क्या है, यदि हम इसको पूरे कोर्ट को विस्तार से आपको बताएं कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रहे अधिकारों की लड़ाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। राष्ट्रीय राजधानी को संघ का विस्तारित क्षेत्र करार देने संबंधी केंद्र की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में निर्वाचित सरकार की आवश्यकता को लेकर सवाल उठाया। तो क्या हुआ कि सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की दलीलों को सुना। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे, और दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कह डाला कि अगर दिल्ली में प्रशासन केवल सरकार के इशारे पर चला जाता है तो फिर दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होने का कोई उद्देश्य नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का मतलब क्या, अगर इसके प्रशासन नौकरशाहों पर नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। अब शीर्ष अदालत केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती पर प्रशासनिक नियंत्रण के मामले की सुनवाई कर रही थी, और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ तर्क दिए। कहा कि दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार का विस्तार है, जिसे सरकार अपने अफसरों के माध्यम से प्रशासित करती है, और इसी पर सीजीआई ने पूछ डाला कि अगर सब कुछ आपके इशारे पर, सरकार के इशारे पर है, तो फिर एक चुनी हुई सरकार का फायदा क्या। फिर उसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली की स्थिति अद्वितीय है और वहां रहने वाले सभी राज्यों के नागरिकों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए, जो कि है नहीं। अब दरअसल क्या है कि राष्ट्र राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से विवाद रहा है, जो कि जगजाहिर है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर तीसरे दिन की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्र राजधानी होने के नाते दिल्ली का एक अद्वितीय दर्जा है और वहां रहने वाले सभी राज्यों के नागरिकों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए, और अगर संसद का कुछ क्षेत्रों पर विधायी नियंत्रण है तो दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों का क्या होगा। दरअसल अदालत जानना चाहती थी कि सॉलिसिटर जनरल ये बताएं कि कैसे सेवाओं का विधायी नियंत्रण कभी भी दिल्ली की विधायी शक्तियों का हिस्सा नहीं था, और इसी पर सॉलिसिटर जनरल ने कह डाला कि राष्ट्र राजधानी संघ का विस्तारित क्षेत्र है और केंद्र शासित क्षेत्र को एक भौगोलिक क्षेत्र बनाने का मकसद यह दर्शाता है कि संघ इस क्षेत्र में शासन करना चाहता है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब क्या, यदि केवल केंद्र सरकार द्वारा ही सब कुछ प्रशासित किया जाना है तो फिर एक सरकार की जरूरत ही क्या। दिन भर की सुनवाई के बाद इस मामले में कोई निदान आया ही नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के आने से पहले केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में कभी भी इस तरह की तनातनी रही रही। केंद्र में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो और दिल्ली में कांग्रेस का शासन हो, या फिर 1993 से 1998 का एक वक्त हो जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी थी, तो भी इस तरह का टकराव कभी नहीं था। 1999 से 2004 तक केंद्र में एनडीए की सरकार थी, जबकि 1998 से दिल्ली में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार, तब भी ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि दिल्ली के एलजी बीजेपी के इशारे पर उसे काम करने नहीं देते। दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण, एमसीडी चुनाव टालने, मेयर के चुनाव
और इतने करोड़ की वसूली नोटिस, 163 करोड़ की वसूली नोटिस सहित कई मामलों को लेकर भी आप पार्टी उपराज्यपाल पर हमलावर रही है और आज भी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपालों के बीच पुरानी जंग रही है, छत्तीस का आंकड़ा रहा है। 2014 को देखें तब केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के वक्त दिल्ली के एलजी नजीब जंग थे और तब नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को ऑर्डर दिए थे कि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी फाइलें उनके पास ही डायरेक्ट भेजी जाएं और दिल्ली सरकार उन पर कोई फैसला नहीं ले और इसी को लेकर केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल की ठन गई और यह सिलसिला आप कह सकते हैं कि उसी के बाद से ही लगातार जारी है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को और अधिक स्पष्ट करने का दावा किया और दिल्ली विधानसभा अधिनियम में संशोधन किया, लेकिन दिल्ली सरकार इसके खिलाफ अदालत में पहुंच गई थी। फिलहाल यह एक ऐसा मामला है जिसको लेकर बात जो है वो कभी ठंडे बस्ते में गई ही नहीं। अब इसको लेकर ताजा अपडेट यही है कि इस मामले में सुनवाई 17 जनवरी को फिर शुरू होगी और इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक जिम्मेदारी, सहायता, सलाह को लोकतंत्र का आधार करार देते हुए ये कहा था कि उसे एक संतुलन बनाना होगा और फैसला करना ही होगा ताकि बीच का जो रास्ता है वो तलाशा जाए, जो कि अभी दिखता ही नहीं।